नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल मीट द वर्ल्ड। मीट द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें लगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। दोस्तों, आज हम आपको जोधपुर शहर के इतिहास व जोधपुर में घूमने लायक स्थानों के बारे में बताएंगे। जोधपुर का इतिहास राठौड़ कबीले के प्रमुख राव जोधा को भारत में जोधपुर की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1495 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की। शहर का नाम उसके बाद ही दिया गया। इससे पहले मारवाड़ के रूप में जाना जाता था। जोधपुर एक लुभावना सुंदर शहर है, जहां हर जगह तेजस्वी नीले घर हैं। ब्लू सिटी जिले सन सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान के प्रतापी राज्य में स्थित है। शानदार मेहरानगढ़ किला शहर के ऊपर स्थित टावर एक शानदार वास्तुशिल्प कृति है। इस किले के आसपास पुराना शहर है। भटकने वाली गलियों का आनंदमय तालमेल और चमकदार बाजार है। शहर के इस अजारक अभी तक आकर्षक पर्यटन क्षेत्र को एक उत्सुक यात्री की कल्पना पर कब्जा करना निश्चित है। पृष्ठभूमि के खिलाफ थार का रेगिस्तान है, जो अपने स्वयं के आकर्षण का है। जोधपुर के किले और महल पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। उम्मेद भवन, जो कि होटल और संग्रहालय में परिवर्तित हो गया है, गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना एक शानदार महल है। जोधपुर थार रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है। यह शाही शहर रेगिस्तान की खालीपन में प्राचीन काल की कहानियों के साथ गूंजता है। अतीत में यह मारवाड़ राज्य की राजधानी है। जोधपुरी लोग भारत के सबसे सत्कारशील लोगों में से है। इनके पास एक विशिष्ट मारवाड़ी उच्चारण है। जोधपुर में जीवन शैली से भारत काफ़ी आकर्षक है। अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों का महीना जोधपुर जाने का सबसे ज़्यादा अच्छा समय है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए मीट द वर्ल्ड।